कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ से अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं को तो तुर्की ने और मिस्र ने भी वापस लौटा दिया है, जो भारत से गेहूं की खेप भेजी गई थी। तो अब कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, ज्योतिष के आधार पर और टेक्निकल फाइनेंस के आधार पर, गेहूं में आगे क्या फ्यूचर है? अब देखिए, गेहूं के जो कुछ फंडामेंटल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि उसको देखते हुए हमें बड़ा है तो 11.5 करोड़ टन की गेहूं की उत्पादन की उम्मीद लगाई थी और चर्चित भी ये थी। और आपको याद होगा 3-3.5 महीने पहले हमने सबसे पहले कहा था कि मोटे अनाज, खासकर खाद्य वाला जो ग्रेन्स है, चाहे मक्का हो या बाजरा, उसमें हमें तेजी हो रही है। जब उस वक्त काफी लोगों ने कहा था कि 11.5 करोड़ का उत्पादन है, शानदार उत्पादन है, तो ऐसे तेजी होने की संभावना कैसी होगी। लेकिन कालांतर के अंदर फिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई और फिर सरकार ने भी जो प्रोडक्शन डाटा है अपने एस्टिमेटेड उसको रिवाइज करते हुए 10.64 करोड़ टन के आसपास की रिवाइज किया। और तेज गर्मी और लू की वजह से कुछ पैदावार में कमी हुई और दूसरे दानों की क्वालिटी हल्की हुई, वो सिकुड़ भी गए। लेकिन इसके ऊपर भी हम आगे चले कि जो यूएसडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कृषि विभाग की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके मुताबिक गेहूं का उत्पादन भारत में 9.90 करोड़ टन के आसपास है। तो मतलब 11.5 करोड़ से 9.90 करोड़, मतलब करीबन 1.5 करोड़ टन की जो उम्मीद थी उससे कम है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रखिए, जो सरकारी खरीद होती है, इस बार जो लक्ष्य रखा गया था 4.44 करोड़ टन का रखा गया था, जो कि आधे से भी कम गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट हुई है। 80 लाख या 1.90 करोड़ के आसपास हुई है। और 100, जबकि सरकार ने भी उसका रिवाइज यानी घटाकर जो लक्ष्य 1.95 करोड़ टन कर दिया है। तो कुल मिला के ये तो है फंडामेंटल स्थिति। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि लगभग 17 लाख टन के आसपास जो गेहूं है वो लूज कंडीशन के अंदर कांदला और मुद्रा फोर्ट जैसी जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने 13 मई को जो रोक लगाई और ये कहा कि 13 मई या उससे पहले के जो ऑर्डर है जिसके ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा होगा, साथ साथ में दस्तावेज दिखाएंगे, उस सबको तो इजाजत दी जाएगी अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो कुछ व्यापारियों भी निकले कि कुछ व्यापारी उसके अंदर एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ उतारा, मतलब उसमें कुछ, लेकिन सरकार ने कदम उठा के कहा कि जब तक टेक्निकल वेरिफिकेशन नहीं होगा कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद और एक पॉइंट आ रहा है कि बांग्लादेश और तंजानिया और मलेशिया जैसे कुछ देश हैं जिनको सरकार ने खाद्यान्न इजाजत दी है कि उनको गेहूं की सप्लाई की जाए। फिर लगभग 56,000 टन से लदा हुआ जहाज टर्की ने वापस किया कि उसने कहा कि इसके अंदर जो वनस्पति है वो वायरस से वो उसको उसने अनलोड नहीं करने दिया। लेकिन खबर ये निकल के आई कि जो ये वापस हुआ था वो वापस बंदरगाह में आए नहीं और वो डाइवर्ट होकर दूसरी जगह दिखने को चला गया है। और मिस्र के राजदूत ने भी यही कहा है कि जो भारतीय गेहूं के वायरस की जो है उसको उन्होंने सिरे से नकारा है यानी खारिज किया है। ये था सारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और आप देखें, हमने रोक लगाई थी, आपने इंटरव्यू में कहा था, पूछा था मुझसे ये सवाल कि अब गेहूं में क्या होगा जी। तब भी हमने यही कहा था कि देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत के गेहूं के निर्यात लगाते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव बढ़ जाएंगे और वो शानदार तरीके से बढ़े। आपने उसको देखा भी कि क्योंकि भारत सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है गेहूं के उत्पादन के अंदर जी। लेकिन हमारे यहाँ खपत इतनी है कि हम लोग बहुत बड़ा गेहूं का निर्यात नहीं कर पाते हैं। पिछले साल के आंकड़े देखें 73 लाख टन गेहूं की एक्सपोर्ट किया गया था और इस बार लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़। अब ये तो पूरी स्थिति है। देखिए, गेहूं जो है कि भारत का प्रमुख है, खासकर उत्तर और मध्य भारत में, और इसकी जो कमी होगी
क्योंकि अक्सर जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि मैं दर्शकों को भी चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से सुने इस चीज को, क्योंकि अखिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो सरकारी खरीद होती है और वो फिर जनता में डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग योजनाओं के जरिए, और ये भी सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि उसमें काफी नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है मंडी के अंदर। तो जब सरकारी और वो जो सस्ता गेहूं है उसको लोग अपने इस्तेमाल में लेते हैं और उसको चक्की और ये फ्लोर मिल्स वाले हैं उसको इस्तेमाल में लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब सरकारी खरीद 55% से कम हुई है तो इतनी जब वो कमी आएगी तो निश्चित रूप से बाजारों में माल जो है, जो राशन का होता था, जो माल बाजारों में पहले आ जाता था, वो आने में तकलीफ होगी और इसका असर ये रहेगा कि, और दूसरी चीज जो हमारी जो खपत है हिंदुस्तान की, वो एक्सपेक्टेड खपत मानी जाती है करीबन 10 करोड़ टन के आसपास की। तो कुल मिला के जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, जो सरकारी की जो गेहूं है वो बाजारों में दिखेगा, तो कुल मिला के स्थिति बहुत रोजी नहीं है, बहुत शानदार नहीं है, वोलेटिलिटी रहेगी बहुत ज्यादा। और बस यही है कि सरकार यदि लिमिट लगा दे कि बाजार से यदि बाहर से गेहूं खरीदा तो वो इतना महंगा है वो पड़ते में नहीं आएगा, और यदि व्यापारी और एक्सपोर्टर वैसे ही निकले हैं, क्यों? क्योंकि अचानक से रोक लग, जो माल उन्होंने किसानों से खरीद लिया था उनकी मुश्किल हो रही है, किसानों ने या मल्टीनेशनल कंपनीज को रोक लगने से वहां पे हजारों ट्रकों की कि जब वो कहते हैं जब सरकार माल लेके क्या करेंगे, जैसे 17 लाख टन की खबर आ रही है कि वो सारा अनाज डैमेज होने की संभावना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत अभी कंफ्यूजन है, लेकिन ये कुल मिला के इसका सारांश में ये मैं आपको कह सकता हूं कि जो एग्रो कमोडिटीज है वो किसी नीति रीति के लिए मोहताज नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर इसका निर्भर होता है। और ये भी निश्चित है कि चीज ऐसी नहीं है इसको बहुत तरीके से कर लिया गया लंबे लंबे समय तक, तो निर्णय लेने पड़ेंगे। जो यदि वो नहीं लिए जाते हैं तो गेहूं के व्यापारी और गेहूं के कंज्यूमर यानी वो सभी परेशानी में आ सकते हैं। यदि आज आप देख रहे हैं कि जो ब्रेड आप आज से 4 महीने ब्रेड ले लें उसके दामों में बेताशा वृद्धि हो चुकी है, जो भी गेहूं से रिलेटेड, ब्रेड से रिलेटेड, बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, ये सबके दाम बढ़ गए हैं। तो और उसमें इन कुछ कंपनियों ने तो बहुत सूझबूझ के काम किया, उन्होंने रेट ज्यादा, कुछ रेट बढ़ा दिए, कुछ क्वांटिटी कम कर दी, जो पहले 900 ग्राम की आती थी उसको उन्होंने घटा के 780 ग्राम कर दिया। तो कुल मिला के इस तरह की कार्रवाई चल रही है, तो लेकिन कुल मिला के स्थिति रोजी नहीं है ये मैं कह सकता हूं। और जो हमने पहले स्टैंड लिया था उस पर मैं कायम हूं, और आप देखिए बाजारों में ऐसा ही कुछ होने की संभावना बनती है। उम्मीद है कि वीट के अवसर जो स्पेशल इंटरव्यू आपने 14-15 तारीख को भी लिया था वो आप चेक कर लें, और आज आप चेक कर लें, और आगे अपन आगे बात करेंगे उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि मार्केट टाइम्स के ऊपर हमेशा से ही हमने कुछ अलग देने का प्रयास किया है, जो कि ना केवल इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ से मील का पत्थर साबित हुआ है। ये अखिलेश जी। जी गणेश जी, अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।